हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल। मैं आपको आज पाइपिंग लगाना और बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको फाइव तरीके से मैं आपको पाइपिंग बनाना सिखाऊंगा, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप इसका जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें एक पट्टी लेना है। अगर हम कभी भी सीधी कुछ भी लगाना है हमें, तो पूरे पट्टी नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। एक सीधी पट्टी लेना है। अब इस पट्टी को जो मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर की जो तरीका बता रहा हूँ, उसमें हम 1.5 इंच एक पट्टी ली है मैंने। इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से रखना है। रखने के बाद में हमें ऐसे सिलाई लगाना है। ये सिलाई हमारी ऐसे लगाई हमने, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ये देखिए आप, इस तरीके से फोल्ड करते हुए जितने हमें पाइपिंग दिखाना है उतना रख के हमें यहाँ पर, ये जो इसकी किनार है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाना, इसकी किनार पर हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। ये हमारी पहली पाइपिंग लग चुकी है। अब देखिए आप, पीछे से वैसे फिनिशिंग से बनाए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। इसमें भी एक हमने पट्टी ली, सीधी पट्टी, इसको भी हमें 1.5 इंच लेना है। अब हमें करना क्या है, एक साइड से हमें इतना फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है। अब हमें इस तरीके से रखना है, हमारे जो पट्टी बनाई है हमने, इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद हमें यहाँ पर इतनी दूरी पर सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और जितना हमें पाइपिंग दिखाना है, जितनी हमारी पाइपिंग हमें रखना है, है ना, ये पाइपिंग हमने इतनी रखी है, उसको इस तरीके से यहाँ पर, ये जो किनार दिख रही है आपको, जिसमें हमने पिछली बार लगाया था, इस पर सिलाई लगाना है। ये हमने सिलाई लगा दी है इसमें। अब हमें दूसरी सिलाई यहाँ पर लगाना है। आप चाहो तो कच्चे लगा के तोरपाई भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें सिलाई लगा देते हैं। इस तरह की पाइपिंग बनके तैयार हो चुकी है। आप पीछे भी देखिए, पीछे भी ऐसी फिनिशिंग से रहेगी। अब मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ। इसमें हमें करना क्या है कि इसमें हमें 2 इंच पट्टी लेना है, है ना। 2 इंच पट्टी लेकर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिएगा आप, इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसे सिलाई लगा देना है। हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में हमें जिस पर भी लगाना है, जिसे हमने ये बाजू पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो हमारी आस्तीन है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे रखना है। हमें जितनी पाइपिंग दिखाना है उसके हिसाब से रख के, यहाँ से ऐसे रख के सिलाई लगा देना है। ये हमने पाइपिंग लगा दी इसमें। अब ये जो दूसरी सिलाई है, हमें यहाँ से ऐसे लगा देना है। ये जो हमारा कपड़ा है वो भी इसके साथ ही सिलाई में आ जाएगा। तरीके की आपको ये पाइपिंग लगाना बता दिया है। ये बहुत आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको चौथी तरीके की पाइपिंग लगाना बताऊँगा। अब मैं जो आपको पाइपिंग जो दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको डोरी वाली पाइपिंग दिखाऊँगा। अब मैं आपको ये चौथा तरीका बता रहा हूँ। इसमें हमें जो कपड़ा लिया हुआ है, इसमें भी हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया हुआ है। आपको 1.5 इंच कपड़ा लेना है, ऐसा सीधा कपड़ा लिया हुआ है। अब इसको पाइपिंग को इस तरीके से, अब यहाँ पर हमें थोड़ा जो दिख रहा है आपको, पाइपिंग का मुँह दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई लगा देना है, ताकि क्या पाइपिंग निकलेगी नहीं।
इसे लगा कर आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमको इसमें अगर आप जैसे आस्तीन पे बना रहे हो तो हमेशा याद रखना कि इस पाइपिंग के जिस हिसाब से जो भी आप बना रहे हो तरीके से, उस तरीके से इसको कपड़े को आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है। अब जैसे मैंने इतना कपड़ा निशान लगाया है उसके हिसाब से इसको पाइपिंग को लगाना है। तो आप क्या करिएगा, ये सीधा हिस्सा है, इस सीधे हिस्से तरफ हमने पाइपिंग को ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखने के बाद में हमें जो पाइपिंग है वो यहाँ पर सिलाई लगाते हुए पूरी सिलाई लगाना है। ये हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अब इसको हमारे इस तरीके से अंदर की साइड ओटना है। ओटने के बाद में हमें यहाँ से नाखून से इस तरीके से करना है ताकि हमारे पाइपिंग फ्रेश दिखाई दे। और हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है। यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। ये हमारी चौथी तरह की पाइपिंग लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पांचवी तरीके की दिखाऊंगा। अब जो मैंने ये जो आपको पाइपिंग लगाई है, आप चाहे तो बिना डोरी के भी लगा सकते हैं, लेकिन डोरी से लगाओगे तो और अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। अब आप देखिए मेरा जो पांचवा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें हमें जो एक पट्टी ली हुई है जितनी भी बड़ी हमें साइज में लगाना है उस हिसाब से, इसको हमने भी 1 इंच में लिया हुआ है। 1 इंच आप पट्टी काट लीजिए सीधी, आपको अगर सीधे में लगाना है, अगर राउंड में लगाना है तो आप पूरे पट्टी काटिएगा। राउंड में हमेशा ध्यान रखिएगा आप पूरे पट्टी ही काटिएगा। पूरे हम डोरी वाली पाइपिंग आपको बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये जो घोड़ा है उसको आप सिंगल घोड़ा भी आता है, आप अगर उससे बनाइएगा ज़्यादा सही रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मुंह जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है आप भी इस सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका जो ये डोरी है वो कहीं जाए नहीं। और इसमें हमें भी ऐसी इसी तरीके से किनार किनार पर इसके सिलाई लगा देनी है। इसको ये मैंने हमने सिलाई लगा दी है। इसको सिलाई लगाने के बाद सीधे हिस्से तरफ आपको इस तरीके से रखना है। और ये हमें जब भी बनाना है उस हिसाब से ही आपको कपड़ा इधर एक्स्ट्रा लेना है। इस कपड़े को इस तरीके से जितनी हमें डोरी लगाई हुई है पाइपिंग हमारी जो दिख रही है, इस सिलाई को इसके ऊपर किनारे किनारे पे ऐसे लगा देना है। ये हमने किनार की इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको आस्तीन को इस तरीके से उलटना है जितनी हमारी पाइपिंग दिख रही है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से लगा के आप नाखून से इसको इस तरीके से कर दीजिए ताकि वो फिनिशिंग से। पांचवी तरीके हमारी तैयार हो चुकी है। आप मुझे चैनल जो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। और दूसरी सिलाई हमें यहाँ पर लगा देना है। ये हमारी 5वीं नंबर की पाइपिंग बनके तैयार हो चुकी है।